जग्गा रेड्डी साहब को देखते पेशाब कर लेता केसीआर और केटीआर। तो आज यहाँ से जग्गा रेड्डी साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने ख्यालात का इजहार करें। अभी तो पेशाब करने का वैसा भाषण नहीं दे सकती हूँ अभी तो। जो मंच पे बैठे हैं मेरे बड़े बड़े माइनॉरिटी भाइयों, बड़े नेते भाइयों, मेरे साथियों सबको, मेरे सामने जो कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी भाइयों बैठे, मेरे बहनों को सबको मेरा सलाम, वालेकुम सलाम सर, सलाम वालेकुम। माइनॉरिटी मीटिंग सोहेल भाई अध्यक्ष के ना यहाँ जो माइनॉरिटी का मीटिंग चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सालों के बाद एक माइनॉरिटी प्रोग्राम मीटिंग यहाँ रखना बहुत खुशी की बात है। मैं एक 15 मिनट बात करना चाह रहा था, उसमें से एक 5 मिनट मैं बात करता हूँ, एक 5 मिनट हमारे संगारेड्डी के शफी आफे साहब मंच पर आ जाइए, उन्हें भी एक 5 मिनट उनको दे दिए, और खदीर को भी थोड़ा 5 मिनट वक्त ही दे दिए, मेरा 15 मिनट में वक्त है। शफी आ जाओ सर, ऊपर आ जाओ जल्दी, खदीर भी बात करेंगे। मेरा आवाज जो भी है, मेरा आवाज पूरा हमारे शफी ऑफिस देंगे। आज का जो खिलाफ जंग चल रहा है, जो केसीआर के खिलाफ जंग चल रहा है, जो मोदी के लिए खिलाफ जंग चल रहा है, वो जंग के लिए या माइनॉरिटी भाइयों कांग्रेस पार्टी कभी भी तैयार ही है। कभी भी इसके एमएलए माजी एमएलए के नेता बोले है कि यह 12% जो केसीआर दे सका देने के लिए वादा किए थे, आज तक वो वादा पे ही गिर गया। वो तो जो कांग्रेस का 4% दिए थे, माइनॉरिटी भाई लोग पूरे आवाज देने का जरूरत भी है, वो उसके लिए या मंच पे बड़े हरे भाई शिफी को ऊपर छोड़ो भाई थोड़ा, एक शिफी शिफी आफिस संगारेड्डी अकेले को आज ऐसे क्या बात बोल रहे। आज का मीटिंग तो खुशी की बात है, माइनॉरिटी ये माइनॉरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी आज से जंग शुरू हुआ, केसीआर खिलाफ जंग शुरू हुआ। जब तक केसीआर को कुर्सी से उतरे तक माइनॉरिटी भाइयों लड़ते रहेंगे कांग्रेस पार्टी के, मोदी की भी उतारेंगे, राहुल जी को बिठाएंगे वहां। जब तक सोहेल जी आप लड़ते रहना, आपके पीछे हम है। सोहेल भाई आगे बढ़ो, सोहेल भाई आगे बढ़ो, आपके साथ भी है, आपके सामने भी रहेंगे हम, बेफिक्र रहो। आखिरी बात ये कि मैं सोहेल जी से एक बात बोलना चाह रहा हूँ। मैं एक बार एक प्रोग्राम इमरान प्रतापगढ़ी का एक प्रोग्राम लीजिए, अगर आप 5 लाख स्टेट में से माइनॉरिटी भाइयों को अगर मोबिलाइजेशन रखेंगे रखतू बोले तो मैं 5 लाख का माइनॉरिटी का ट्रांसपोर्ट देखूंगा। मैं भाई सुनो एक मिनट बोल। आज यहाँ पर जो है ना बहुत सारे लोग आ रहे थे, प्रॉब्लम ये हुआ कि ट्रांसपोर्ट का और थोड़ा हमारे डिस्ट्रिक्ट के पुलिस वाले जो है चेयरमैनों को डरा है, मगर आप ये हिम्मत दे रहे हैं, क्या बोलते हैं भाई? एक बात सुनो, पुलिस को जो डरने की बात इसने ये याद रख लो, जिस दिन हुकूमत आता है उस दिन पुलिसों का पीछे पड़ेंगे अपन भी। कुछ नहीं कर सकते पुलिस वालों, कुछ नहीं कर सकते। एक दिन अंदर डाल सकते, 2 दिन डाल सकते, दुनिया क्या उतना अपन मजबूरी तो नहीं है अपन तो। एक सेक्शन, 2 सेक्शन, 4 दिन, 5 दिन, महीने तो नहीं रख सकते ना जेल में। अगर लगाएंगे कितने लोगों को पुलिस वाले, एक जने को, दो जने को, माइनॉरिटी 100-50 लाख माइनॉरिटी को लगाएंगे क्या? ऐसा पीछे हटने का नहीं है। सोहेल भाई अभी भी बोल रहा हूँ, आप एक अच्छा प्रोग्राम लीजिए, अच्छा जितने भी मीटिंग का इंतजाम होना आपका मोबिलाइजेशन एंड मीटिंग का इमरान प्रतापगढ़ का लीजिए, मैं इंतजाम पूरा करूंगा आपको, ठीक है? थैंक यू।
तो 8 बजे 9 बजे के बाद फोन करते हैं, अगर बैठ के किधर किधर उद्धव ठीक है सर। पिक्चर दो, पिक्चर दो भाई, ठीक है ठीक है, पिक्चर देने वाले ओके राइट। Thank you.